राजस्थान का नंबर है भाई, ये देखो राजस्थान। क्या लोड कर भाई, पिकअप क्या है? लीची लीची लीची। गाड़ी का भी लोडिंग हो चुका है, चालू देख सकते हैं, चटाई अगर लगा दिया गया है और काशी एक्सप्रेस अब उड़ने के लिए तैयार है। अच्छे से थोड़ा दबा के लगाइए कमाल, ठीक है? साहब कल रात को आया था भयंकर वाला तूफान भाई, देख रहे हो पूरा पेड़ अगर रोड पे गिर गया है। हमें लग रहा है कि पूरा रात भर ब्लॉग रहा होगा भाई, खतरनाक सीन हो गया भाई। भाई साहब खतरनाक वाला सीन हो गया था अभी अपने साथ में, गाड़ी उसमें फंस गया था तो फिर से बैक करना पड़ गया। अभी अच्छे से लगा रहे हैं साइड में, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। और ये देखो कीचड़ रबड़ मेरा फट गया इसी चक्कर में, देख रहे हो देखो। मेरे भाई आप लोग बढ़िया? बढ़िया भाई, बस गाड़ी अगर बनवा के। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। पिछले वाले ब्लॉग में चेक कर लिया होगा गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद वहां से हम निकले कृष्णा नगर के लिए, क्योंकि भाई कृष्णा नगर से अपना था लोडिंग। तो भाई रात को कृष्णा नगर तो नहीं पहुंच पाए, उसके पहले नगरदीप ज्योति होटल, वहीं पे भाई गाड़ी को रोक दिया, यहाँ पे मस्त रेस्ट वगैरह कर लिया है। एंड इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना आप सब भूल जा रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से आप सब वीडियो वॉच कर रहे हैं भाई, क्योंकि कॉमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। इधर भाई अपना गाड़ी खड़ा है, देख सकते हैं पूरा काम हो चुका है कम्प्लीट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। इधर भाई गाड़ी का न्यू लुक चेक कर रहे हो भाई। अच्छा न्यू लुक कैसा लग रहा है? अगर जिन्होंने जिन्होंने कॉमेंट नहीं किया भाई कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर देना भाई। ये देख रहे हो भाई साहब, भाई एक चीज आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप कहाँ पर रहते हैं पता ही नहीं चलता है, तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी अगर लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं तो अगल बगल से जो भाई देखते हैं हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं मिलने के लिए। तो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है BDM vlog, जाके फॉलो जरूर करिएगा एंड वहाँ पर ना आप लोग स्टोरी अगर चेक करते रहा करिए, तभी पता चलेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा भाई। चेक करो अपने बनारस का सब किंग आ चुका है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, एक और उधर खड़ा है योद्धा। टोटल 5 गाड़ी अपने बनारस से आया हुआ है, मतलब हमको छोड़ के टोटल 4 गाड़ी है भाई। ये सब ना गाड़ी खाली आया बनारस से यार लोड करने के लिए। सोच सकते हैं आम का लीची का जब सीजन चालू हो जाता है ना, तो अपने बनारस से जो व्यापारी होते हैं बोलते भाई खाली लेके आओ, पैसा देंगे, ठीक है? अभी पूछेंगे भाई लोग खाना वगैरह खाने के लिए, जब आएंगे तो आप लोग को बताएंगे भाड़ा वगैरह क्या लग रहा है यार। खाली गाड़ी आना इधर से लोड करके जाना है बनारस। तो इधर हमारे भाई साहब लोग खाना वगैरह खा के आ चुके हैं। भैया गाड़ी खाली लेके आ रहे हैं बनारस से? हाँ भैया। तो भाड़ा वगैरह क्या लग रहा है, अगर बता सकते तो बता दीजिए। अभी कोई क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन मतलब 25 के ऊपर ही लगेगा ना जब भी लगेगा? तो भाई 25,000 के ऊपर ही भाड़ा लगेगा, मतलब 700 आना, अच्छा 26,000, 27,000, 28,000 जो भी लग जाए, ठीक है? तो 700 किलोमीटर आना है, 700 किलोमीटर फिर यहाँ से लोडिंग करके जाना, मतलब उधर से खाली गाड़ी और इधर से लोडिंग गाड़ी जाना है, साथ साथ 1400 किलोमीटर में अगर 28,000, 27,000, 26,000 रुपये अगर भाड़ा लगता है ना, तो भी 8,000 से 9,000 रुपये तो बचत छोड़ ही देगा भाई। तो फाइनली भाई साहब अपना लोडिंग भी हो चुका है कन्फर्म, हमें जाना है यहाँ से बागदा मंडी, मतलब दत्तो फुलिया से भी आगे बढ़ता है। तो अभी हम जहाँ पे यहाँ से कम 70 से 80 किलोमीटर होने वाला है, तो फटाफट निकलते हैं लोडिंग पॉइंट पे और लोडिंग करके कहाँ जाना है तो भाई लोडिंग करने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। सो निकलते हैं पहले। प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। देख सकते हैं यहाँ पे कोड़ा भर के लेके जाया जा रहा है बेचने के लिए, क्योंकि गिर गया गिर गया गिर गया, ओए 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 गिर गया, कोड़ा गिर गया भाई, पड़ेगा लो पड़ेगा लो पड़ेगा लो। ये एक इधर गिरा है, एक इधर गिरा है भाई, उठाया तक नहीं यार, ये चेक कर रहे हो, बोला चलो नहीं उठाना। ये देखो ये भोकाल होना चाहिए भाई, किसान तो किसान होता है, किसान के लिए एक दो सब्जी कोई माने नहीं रखता, देख रहे भाई। ये देखो ये होता है ट्रेलर भाई। कृष्णा नगर अगर क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं अभी दत्तो फुलिया वाला रोड पे, तो इस सीधा चले जाएंगे तो कोलकाता मतलब हावड़ा वाले रोड पे पहुंच जाएंगे, बारासात पहुंच जाएंगे। तो हमें जाना है अंदर वाले रोड के लिए।
फिलहाल भाई गाड़ी को साइड में इधर लगा दिया है, देख सकते हैं, क्योंकि भाई रेलवे फाटक है बंद। और इस गाड़ी में लीची रोड देख सकते हैं, लीची लोडिंग है इसमें। और ये जा रहा है एयरपोर्ट, क्योंकि इनको जाना है प्लेन पकड़ाने के लिए। कौन सा अच्छो एयरपोर्ट? एयरपोर्ट लीची रोड है ना, प्लेन पकड़ना है। तो कौन सा एयरपोर्ट जा रहा है? दमदम? दमदम, दमदम एयरपोर्ट ना। चलिए, इस गाड़ी में लीची लोड है और लीची जाएगा विदेश। मतलब भाई जो बंगाल का लीची होता है ना, वो विदेश वाले भी खाएंगे, ठीक है भाई। सब्जी फल अगर है ना, बंगाल से बहुत दूर दूर सप्लाई है, सोच सकते हैं यहाँ से जाना है विदेश। और भाई सब जा रहा है एयरपोर्ट गाड़ी लेके, मतलब फ्लाइट में चढ़ाने के लिए लीची को। ट्रेन जा रहा है भाई, देख सकते हैं लोकल ट्रेन वेस्ट बंगाल, काफी तगड़ा वाला स्पीड रहता है भाई। खुल गया, खुल गया भाई। खुल गया, खुल गया, खुल गया। ये दूसरा रेलवे फाटक जहाँ पे भयंकर जाम लगा था। एम्बुलेंस भी फंस गया भाई, एम्बुलेंस। ओ भाई सर पे चोट लगा था यार एक महिला का। तो भाई साहब लीची यहाँ मिल रहा है 90 रुपए केजी, देख सकते हैं। लीची मैंने ले लिया और दादू बेच रहे हैं लीची। कौन तो बोले 90 रुपया केजी ना, कि है ना पैसा ना। तो भाई ये हमको दिए 900 ग्राम 70 रुपए में, ठीक है, देख सकते हैं एकदम तुरंत पेड़ से टूट के आया है, जस्ट अभी टूट के आ ही रहा है। और ये अपने पेड़ का बेच रहे हैं सामान यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल का लीची, जो कि अभी हम खाने जा रहे हैं, छील लिया है मैंने। एक पीस और की इमली खाओ हम तुम्हारे। अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरा कुछ नहीं की वीडियो, वीडियो यूट्यूब वीडियो माल बेच रहा। रास्ते से जा रहे थे आगे, यहाँ पे देसी रसगुल्ला बिक रहा, देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल है ना, तो ये भाई देसी रसगुल्ला ताल है, ये देख सकते हैं जो ताल होता है ना, ताल ये वही है, एकदम छोटा है भाई। ये है देसी रसगुल्ला, अभी निकाला जा रहा है। और 3 पीस का दाम है 10 रुपया, 6 पीस का 20 रुपया। हमको 3 पीस चाहिए, ठीक है, 3 पीस। तो कुछ इस तरीके से काटा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और निकाल के दिया गया है। ये 3 पीस 10 रुपए का है, मतलब ऐसा 2 पीस जो काट के रखा हुआ है, इसमें 2 पीस लेंगे तो 20 रुपए का है। गर्मी खतरनाक वाला है यार। और हम पहुंच चुके हैं दत्तो फुलिया मार्केट, तो ये पुल क्रॉस करेंगे। साहब कितना हरियाली लग रहा है ना भाई, इसके पीछे भी यार काफी मेहनत है, देख रहे हो। ऐसा लग रहा है ना कि किसी के बगान के अंदर आ गए, लेकिन भाई ये बगान नहीं यार, पूरा रोड है। और रोड के बगल में घर है, और घर वाले सब लगा के रखे हैं अपना अलग अलग, देख सकते हैं भाई, खतरनाक खतरनाक वाला सीन है। खतरनाक वाला सीन का मतलब ये मत समझना कि खतरनाक है, ठीक है, ये भाई खतरनाक वाला व्यू है, ठीक है, कुछ गलत मैंने बोल दिया, खतरनाक वाला नहीं, खतरनाक व्यू है भाई। पहुंच चुके हैं हेलेंचा चौराहा। तो ये भाई हेलेंचा चौराहा देख सकते हैं, यहाँ से घूमेंगे लेफ्ट साइड में, बागदा सब्जी मंडी जाना है, मतलब बहुत बड़ा मंडी है भाई। यहाँ से दिल्ली पंजाब हरियाणा बहुत दूर दूर। सही मंडी का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि वो वाला मंडी जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो बिकता है, ये वो वाला मंडी नहीं है। यहाँ पे गाड़ी का गाड़ी माल बिकता है, मतलब एक गाड़ी पिकअप माल ले लो या फिर 10 गाड़ी ट्रक माल ले लो सब्जी, ऐसा वाला यहाँ पे। ये 4 नंबर गड्डी देख सकते हैं, लोडिंग होना चालू हो चुका है, इसमें सब्जी भरा जा रहा है 4 नंबर गड्डी में। पहुंच चुके हैं बांग्लादेश बॉर्डर, देख सकते हैं भाई, ये सब्जी मंडी बागा सब्जी मंडी।
अभी हमें जाना है अंदर। ये है मंडी का कुछ नज़ारा भाई। मंडी के अंदर आ चुके हैं, पार्टी ने कुछ नाम बताया, पता करते हैं, उसके बाद जाते हैं आगे के साइड। लॉर्ड होगा उनका। ओ दादा को सो जाओ ना, बोल जी बारा थे बारा चो ना तो की करबो, एकटू सो जाओ ना। तो भाई देख सकते हैं सामने चार नंबर गड्डी भी लोड हो रहा है यहाँ पे। पूरा परवल भाई, परवल परवल, सिर्फ और सिर्फ परवल बताइए। तो हमारे व्यापारी साहब भी मिल गया। किधर लगाना है गाड़ी? इधर लगाना है। अच्छा ठीक है ठीक है भाई, पहुंच गए मंडी के अंदर में। फटाफट रस्सी वगैरह खोलते हैं और माल अपना है रेडी, लोडिंग करवाते हैं परवल अपने गाड़ी में होने वाला लोडिंग। और ये देख रहे हो, ये लगने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जब कड़ी लग गया ना इस पर, तो जाली का लुक चेक करो भाई, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में यार। गाड़ी का भी लोडिंग हो चुका है चालू, देख सकते हैं चटाई वगैरह लगा दिया गया है और काशी एक्सप्रेस अब उड़ने के लिए तैयार है। अच्छे से थोड़ा दबा के लगाइएगा माल, ठीक है? ठीक है ना। चलो भाई लोडिंग हो चुका है चालू। इधर ट्रक का भी लोडिंग चल रहा है और इधर पिकअप का भी लोडिंग चल रहा है अपने काशी एक्सप्रेस का। और इधर ट्रक, ये है वेस्ट बंगाल का नींबू, लेकिन भाई इसमें शरबत पीने मजा नहीं आता है। ये अच्छा यही वाला है क्या? ये अलग है और ये अलग है ना, कि एक ही है? ये देखो भाई, तो ये चेक करो, परवल है भाई, परवल परवल। ये देखो भाई बोरी में भरा जा रहा है पूरा, इधर से सूखा आ रहा है और इधर पानी भिगा के फिर बोरी में भरा जा रहा है। और आप पैकिंग लास्ट लोडिंग हो चुका है कंप्लीट, थोड़ा सा बस माल था, ये हो जाएगा तो फिर गाड़ी वगैरह रस्सा, फिर जाली लगाना है और ये चटाई ढकना है पूरा अच्छे तरीके से। ऐसा लोडिंग हो चुका है कंप्लीट, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट लोडिंग हो चुका है। आई फिर रस्सा वगैरह बंधवा रहे हैं, तो चलिए पहले टाइट करवाते हैं क्योंकि अकेले चाचा हमको भी खींचना पड़ेगा। आराम से आराम से। चलिए भाई लोडिंग हो चुका है कंप्लीट, अभी यहाँ से निकलना है। एक बार प्रेम से बोलते हैं जय सियाराम। एक भाई को मैंने बैठा लिया है, भैया भी साथ में जाएंगे। ओलो तक कहाँ है? आगे है। अच्छा साहब, कल रात को आया था भयंकर वाला तूफान भाई, देख रहे हो पूरा पेड़ अगर रोड पे गिर गया है। हमें लग रहा है कि पूरा रात भर ब्लॉक रहा होगा भाई, खतरनाक सीन हो गया भाई। जिनका माल हम लेके जा रहे हैं ना, उन्हीं का ये मैनेजर, कौन है आप? उनके रिश्तेदार लगते हैं कि मैनेजर है? मैनेजर। अच्छा मैनेजर है, तो उन्हीं के मैनेजर है। तो भाई इतना माल जो जा रहा है इनका हिसाब किताब करके ये फिर वहीं रह जाएंगे जो यहाँ से माल जाएगा। कितना दिन रहते हैं आप लोग जाके वहाँ पे? एक दो दिन रहेंगे, हिसाब करवा के फिर लेके चले आएंगे। अच्छा तो हिसाब हिसाब करवाने के बाद, पैसा अकाउंट में भेजने के बाद, फिर यहाँ से फिर वापस ये बंगाल चले आएंगे। सो चलिए निकलते हैं फिर आगे। हिसाब पूरा उसका कपड़ा गिर गया यार, ये देखो पूरा एक लाइन से गिरते हुए जा रहा है वहाँ पे, वो देखो भाई क्या कर रहा है यार। कम से कम अच्छे से बांध लेना था ना भाई, इतना रस्सी आगे टांग के रखा फिर भी बांधा नहीं अच्छे से। कल थोड़ा सा रुके हैं लीची लेने के लिए, मम्मी का डिमांड आ गया कि भाई लीची लेके आना, बंगाल गए हो तो घर के लिए लीची खरीद रहे हैं। बात कर रहा था, पका रहा है। देखिए भाई कीड़ा वगैरह तो नहीं है? अरे पोका माल की ना ना पोका ना पोका ना, ये देखो ना ओटा लीची ओटा काल होए गेसे ना। तो भाई 80 रुपए केजी है, देख सकते हैं। हम लोग भाई पहुंच चुके हैं शांतिपुर घाट, देख सकते हैं गंगा जी है। तो फाइनली भाई गाड़ी चढ़ा दिया है नाव के ऊपर, देख सकते हैं गाड़ी को इधर खड़ा कर दिया साइड में,
तो ये अपना गाड़ी का लुक, लोडिंग गाड़ी देख सकते हैं। और एक चीज देख लो भाई, राजस्थान से आया है ये, देखो राजस्थान का नंबर है भाई, ये देखो राजस्थान। क्या लोड कर भाई, पिकअप क्या है? लीची 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 है। लीची लेके यार, कहाँ का नंबर? जयपुर जाओगे? कहाँ दिन में पहुँचोगे यार? हैदराबाद जाएगी। हैदराबाद? ये तुम डायरेक्ट हैदराबाद लेके जाओगे कि जयपुर जाओगे? नहीं नहीं, डायरेक्ट हैदराबाद जाएगी। कहाँ दिन में जाओगे यार? मलबा खराब नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, पूरा सूख जाएगा लीची भाई। तो देख सकते भाई राजस्थान का गाड़ी है, ये जाएगा हैदराबाद। कहाँ यार, हैदराबाद जाओगे भाई? तो भाई लीची लोडिंग करके हैदराबाद जाना है भाई को, ये देख रहे हो भाई लीची लोडिंग। अच्छा कहाँ दिन पहुँचोगे? 36 घंटा। तो पूरा अच्छे से पैकिंग है, मतलब थर्माकोल लगा के देख रहे पैकिंग की हो। तो भाई देख सकते हो इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, ये देख रहे हो पूरा थर्माकोल अगर लगा के पैकिंग है। अब भाई सोच लो कि यहाँ से उतना दूर जा रहा है तो वहाँ पे क्या रुपया किलो बिकेगा? हमको लगता है कि भाई 200 रुपया किलो बिकेगा होलसेल में, ज्यादा बिकेगा ना। कि भाड़ा वाड़ा कितना लगा है? 1 लाख। बस 50,000? अरे यार 30,000 तो अपने बनारस का लग रहा है, दोनों 50,000 बता तो चले यार, बताओ हाँ बहुत कम नहीं? 50,000 मिल जाते हैं, 11,000। अरे 11 तो 60,000 ही हुआ ना, कितना किलोमीटर हो गया? 1500 किलोमीटर हैदराबाद यहाँ से 1500 किलोमीटर पड़ेगा। चलो बढ़िया है भाई। ये हमारे कुछ भाई लोग हैं भाई, बनारस से हमें भाई लोग, बस वीडियो आ गया था, वीडियो देख रहे थे कुछ देर पहले ही देख रहे। अच्छा कुछ देर पहले ही देख रहे थे और मुलाकात भी हो गया भाई साहब। तो ये भाई लोग की गाड़ी और भाई लोग भी चढ़े नाव पे, हम लोग जा रहे हैं कांला घाट उस पर, देख सकते हो। अभी भाई अगर थोड़ा सा लेट होता ना तो मस्त यहाँ पे हम लोग अभी नहाते, नहाने के इसके पहले बार चक्कर जो आया था ना, इधर गाड़ी लगा था और ये आने में लेट था, तो वहाँ पे जाकर नहा रहे थे हम लोग, ठीक है? काफी मजा आता भाई। देख रहे हो भाई लीची कहाँ से कहाँ चला जा रहा है यार, काफी अच्छा लगा कि अपना बंगाल का जो लीची है वो राजस्थान वाले खाएंगे भाई, इतना दूर दूर चला जा रहा है लीची। आप लोग कभी सोचे थे कि हैदराबाद जाएगा लीची यहाँ से? नहीं, जाता तो है दुबई, दुबई तक जाता है लेकिन प्लेन से जाता है, लेकिन बाई रोड भी चला जा रहा है। हमें डर लग रहा है खराब कहीं ना हो जाए। चलो अच्छा चीज़ है भाई, कहीं भी जाए और आप लोग खाइए बंगाल का लीची। कौन कौन बंगाल का लीची कहाँ कहाँ से खा रहा है कमेंट करना भाई। इस समय अपना जो है चल चुका है नैया, देख सकते हैं। अभी हम लोग बीच गंगा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, वीडियो वगैरह देखते हैं यहाँ पे। हेलो काट दो काट दो, तो बहुत ज़्यादा ऊँचा खाला है तो अभी काट देगा, तब गाड़ी नीचे उतरेगा। पहुंच गए हम लोग घाट पे, बहुत ज़्यादा ऊंचा काला है, टायर फटने का डर है, फट सकता है टायर, काट दीजिए। हाँ तो लकड़ी लगाया जा रहा है वहाँ पे। बहुत हाइट हो गया यार, भाई साहब खतरनाक वाला सीन हो गया था अभी अपने साथ में, गाड़ी उसमें फंस गया था तो फिर से बैक करना पड़ गया। अभी अच्छे से लगा रहे हैं साइड में, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। और ये देखो कीचड़ रबड़ वगैरह फट गया इसी चक्कर में, देखो देखो फट गया, ये देखो फट गया, कीचड़ रबड़ फट गया भाई, ये देखो टायर नहीं ना कटा यार, भयंकर हादसा होने वाला था अभी। भाई ये भी फट गया यार, ये देखो ये भी फट चुका है, इस पर फेंक देते हैं, दोनों ही कीचड़ रबड़ अपना फट चुका भाई, ये देखो। भाई साहब रास्ते में अचानक से मेरा अगला ब्रेक खराब हो चुका है और बहुत खतरनाक वाला फंस चुके हैं, तो मिस्त्री मिल गया है, अभी गया मिस्त्री घर पे रिंच अगर लेने के लिए, उसके बाद फिर फटाफट चेंज करेंगे। दादा ब्रेक मिल जाएगा ना आपके यहाँ पे, अगला ब्रेक पैड? चलिए ठीक है, दादा का दुकान भी खुला हुआ था, मिस्त्री गया सामान लेने के लिए, उसके बाद फटाफट चेंज करवाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे, मतलब 15 से 20 मिनट का ही काम है, हो जाएगा फटाफट कर। तो काफ़ी अच्छा खासा फंस गए भाई आज रात के टाइम पे। बस होने जा रहा है, बस होने वाला है, नहीं नहीं सब हो गया, बस बस एक टोर करना है, क्या करिए? बस बता रहा है, हो गया बस एक टोर। घूम गया था ना ये वाला, घूम गया था, रुक जाइए। हो गए
तो फाइनली मिस्त्री साहब खोल रहे हैं ब्रेक। क्या खोल रहे हैं? ब्रेक 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 पूरा हो चुका है खत्म, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सौ सौ आवाज कर रहा था। ये सही है ना? ये अभी सही है। अच्छा अभी सही है, चलिए ठीक है। अभी का डर था वही हो गया है अपने साथ में, देख सकते हैं पूरा ये एक साइड से पूरा ये खत्म हो गया, अंदर वाला साइड से ये देख रहे हो भाई पूरा खत्म हो चुका है एक साइड से। अभी चलेगा कि नहीं चाचा? चल जाएगा ना बनारस तक? चलिए अभी न्यू ब्रेक शू लगाया जा रहा है यहाँ पे। काम हो चुका है, ओके देख सकते हैं पूरा चेंज हो चुका है। तो बता दे भाई ये जो चेंज मैंने करवाया है ना मिस्त्री चार्ज सुनोगे तो आप लोग पागल हो जाए। अच्छा कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे कितना रुपया लगता है, ठीक है? तो चाचा जी हैं काफ़ी हेल्प किया इन्होंने, लीजिए पैसा। तो कितना रुपया होता है आप अपने मुझे बता दीजिए, बंगाल का क्या रेट चल रहा है इस समय? चक आगे का 300 रुपया। तो भाई आगे का दोनों ब्रेक पैड बदलने का 300 रुपया चार्ज, और हमारे बनारस में 100 रुपया सोच सकते हैं, लंबू भैया 100 रुपये में करते हैं, और यहाँ 300 रुपया। देखिए 300 रुपये मैंने इनको दिया अभी सिर्फ और सिर्फ आगे चक्का का ब्रेक शू चेंज करने के लिए, यही ना? सिर्फ लेदर जो होता है, और पूरा मैंने ही खोला, सिर्फ अब खोले ढक्कन चेंज कर दिया, 300 आपका हो गया। चलिए चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल पैसा दे दिया इनको, अभी निकलते हैं आगे। लेकिन आप लोग कोई कॉमेंट करना है यार, 300 मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, फिर भी ये 500 मांगते तो 500 देता, क्योंकि अभी पता ये जा रहे थे दुकान बंद करके, मेरे लिए भगवान स्वरूप है भाई, जो समय पर काम आ जाए वो भगवान है। तो कोई नहीं 300 लिया उसका तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा पैसा है। कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ पे कितना लगता है अगला ब्रेक शू चेंज करने का, ठीक है? टाइम हो चुका है रात का 10:30, हम लोग पहुंच चुके हैं बॉर्डर, मतलब ITO ऑफिस अगर सब कुछ आसान सुरक्षा सब क्रॉस करके आ चुके हैं बॉर्डर। बस अब यहाँ पे तेल टैंक फुल हो चुका है अपना, पैसा अगर देंगे फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। भाई लाइट में ना गजब का ही लग रहा है, देखो बाबा वहाँ पे कुछ पकड़े हुए हैं इधर यूट्यूब लोगों, फेसबुक और इंस्टाग्राम। चलिए पैसा देते फिर निकलते हैं भाई। तो थोड़ा सा मुँह वगैरह धो लिया है, मस्त एकदम फ्रेश लग रहा है अभी। रात को 11 बजे भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं हमारे, कैसे हो मेरे भाई आप लोग? बढ़िया बढ़िया भाई, बस गाड़ी अगर बनवा के निकले हैं। आपको हम देखे थे इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा भाई लोग साथ फोटो कर लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे आगे, क्योंकि अभी अभी निरसा है ना ये? निरसा काटा। अच्छा अभी हम निरसा पहुँचे हैं, अभी हमें जाना है लमसम 250 किलोमीटर दूर और आगे। तब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? चलो भाई इतना रात को मत घूमो, जाओ सो जाओ भाई, 11 बजे है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई। तो भाई भोर का भी 3 बज चुके हैं, एक सब्सक्राइबर भाई मिले हैं देख सकते हैं, जो कि गाड़ी अगर देख के पहचान गए हैं। और ये भाई साहब का गाड़ी कहाँ का गाड़ी है भैया? धनबाद झरिया का। अच्छा झरिया का गाड़ी है भैया का, और इधर अपनी गड्डी खड़ी है भैया। थोड़ा निकलते हैं, टाइम नहीं भाई मेरे भाई, ठीक है? चलिए लव यू इतना प्यार देने के लिए, ठीक है? ठीक है मेरे भाई निकलते हैं, ठीक है? चलिए कभी और मिलेंगे तो टाइम जरूर देंगे, ठीक है? चलिए कच्चा माल है भैया ना। चलिए तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मंडी, अभी और अपना गाड़ी खाली देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भाई थक चुके हैं, रात भर पूरा गाड़ी खींच करना पड़ा है, तो यहाँ पे हो रहा है गाड़ी खाली। तो चलिए फटाफट पहले गाड़ी अगर खाली करवाते फिर यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर बातें करेंगे, मतलब अभी भाड़ा अगर लेना है भाड़ा निकलेंगे तो बातें करते हैं भाई। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हालत पूरा ख़राब है भाई, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब ये है औरंगाबाद, और आधा गाड़ी अभी हमें खाली करना है, इसके आगे कौन से मंडी में खाली करना है वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो आप सब पूछते हैं भाड़ा कितना लगा, तो अपना जो गाड़ी लोड हुआ था वो हुआ था कहेलंगचा से 4 किलोमीटर आगे, तो अपना जो भाड़ा लगा था भाई टोटल 18,000 रुपये लगा था। तो फिलहाल मिलते हैं फिर अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।